मध्य प्रदेश में विधायकों की जमीनी रिपोर्ट ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, जिसको लेकर बीजेपी विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जो कि भारी पड़ जाए। और इसी को लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी ली थी। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दीपक बैज को नई जिम्मेदारी मिलने पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि वो नए दायित्वों के साथ सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर दीपक बैज के साथ चलेंगे। वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वाले दूसरे के घर में ताक झांक कर रहे हैं, इनको पहले अपना घर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देख ले। जो साय साहब है, आदिवासी दिवस के दिन साय साहब को छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया जाता है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के प्रति क्या नज़रिया है। आदिवासियों के प्रति उनका नज़रिया ठीक रहता तो हम 29 आरक्षित सीटों में 27 नहीं जीते, 3 सामान्य सीटों से भी जीते हैं, 30 हमारे आदिवासी विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देख ले, माननीय साहब अपने घर को देख ले, अपने कांग्रेस पार्टी को ना देखे।